नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और दा मसला में मसला आज ये है कि जो बीजेपी का आज का उपवास था SYL को लेकर, क्या वो झूठा था? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? दरअसल कुछ महिलाएं हैं, वो खुद आपको बताएंगी कि उनको क्या बोलकर वहां उपवास में लाया गया था। ये जींद की घटना है और जींद में जो उपवास था वहाँ पर जो नरवाना से महिलाएँ आई थी या उनको लाया गया था, क्या बोलकर लाया गया था? उनका कहना है कि ये उपवास किस लिए ये तो नहीं पता उनको। हाँ, उनको जो एक प्रधान जी वहाँ पर लेकर आए, उन्होंने ये कहा कि जो आपके मकानों का पैसा है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकानों का पैसा है वो मिलेगा, वहाँ पर लिखकर दे दीजिएगा। तो आप पूरी बात उनकी सुन लीजिएगा, फिर इस पर बात करते हैं। तो उपवास में बैठे थे आज आप? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह का उपवास था जी? ये जी ये इसे का था, यो जो लाले भाई अपनी बात लिख के देना उनको, वो जो आए थे, क्या नाम है उनका, ये नाम सोनू ना, हमारा प्रधान तो सोनू है, तो हम उनके साथ आए। क्या नाम आपका? शर्मा तभी वो दे कर आने एप्लीकेशन। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतर है जी। तो आपको ये उपवास रखा गया, इसकी नॉलेज है भाई किस विषय पे? नहीं, कुछ नहीं, हमने नॉलेज होनी तो हमारे दुरुज काम बने रहे, हमने नॉलेज दी तो कौन इस बारे में? हमारी समस्या की, हमारी समस्या मकाना की है जी, 30 साल हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन से मकान? ये जो मोदी ने आवास योजना आयोग की है उसकी तरफ से दे रखे, जो से प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ जी। अच्छा, कितनी महिलाएं आई यहाँ? सब हैं जी, 15। आज आप यहाँ पर आए हो उपवास में, आए तो उपवास के बारे में आपको है नॉलेज भाई किस प्रकार का उपवास रखा गया है? भाई यूँ ही रखा गया कि मान तो जो हमारा प्रधान है जिसका गिल्ला आया। अच्छा जी। हाँ, इस मकान ने के बारे में आए हैं, वो लिए सारे काम हो लिए। अच्छा जी। ये बन कर लिया। तो लगभग कितने कितने दिनों से कोशिश कर रहे हो? चार चार साल अरीब हो गए, माना दो दो साल एंड त्या ना कोई हमारा काम नहीं हो रहा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो आज उपवास में आप बैठे हो? हाँ जी। भाजपा कार्यालय जींद में? हाँ। तो इसलिए बैठे ताकि आपकी सुनवाई हो जाए? हाँ, नहीं आ रहे हैं जी। तो तो अगर इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई नरवाना से? अच्छा जी, आप कहाँ से हो? नरवाना से। अच्छा जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है महिलाओं का। ये सिर्फ एक जिले की घटना है, हो सकता है दूसरे जिलों में भी ऐसा ही कुछ हो, यानी कि लोगों को क्या क्या कहकर बुलाया गया हो। लेकिन हमने देखा है काफ़ी जगह पर ये जो उपवास है वो काफ़ी फीका रहा है, जिस हिसाब से बीजेपी चाहती थी कि ये जो उपवास के कार्यक्रम में इनमें काफ़ी भीड़ वहाँ पर दिखाई जाए, ऐसा काफ़ी जगह देखने को नहीं मिला है। हालांकि इसको उपवास का नाम दिया गया था कि SYL को लेकर वो उपवास करेंगे, लेकिन हमने देखा कि कई जगह पर खाने पीने का भी प्रबंध उन्होंने कर रखा था। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? जो महिलाओं ने बोला है, क्या कहकर उनको बुलाया गया, आप भी अपने राय जरूर दीजिएगा। आपका क्या कुछ सोचना है और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। द मसला चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा ताकि हर रिपोर्ट हर धरातल से जुड़ी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।